गुड मॉर्निंग गाइस, तो चलो शुरू करते हैं एक और नए ब्लॉग को। गुड मॉर्निंग थोड़ी लेट हुई है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। गाड़ी को कर दिया कोल्ड स्टार्ट थोड़ा सा और रहने देते हैं स्टार्ट। तो आज का प्लान हमारा है गाड़ी को पीपीएफ के लिए देके आने का। देखते हैं, इस पर मैट पीपीएफ कराने की सोच तो रहे हैं, बट अच्छी लगेगी या नहीं वहीं पर देखे, वहीं पर जाके देख के ट्राई करेंगे। तो चलो वहीं चल के मिलते हैं आपसे। चलो तब तक थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो, आपको सबको पता ही है मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो थोड़ी बहुत जो भी गलतियाँ होंगी उसे थोड़ा इग्नोर कर देना, बाकी तो मैं सीख ही रहा हूँ अभी। आप बाकी कमेंट से बता देना जो जो चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए। और चलो तब तक मैं पहुँचता हूँ, तब तक आप एक काम करो, नीचे जाके वीडियो को लाइक कर दो और साइड में ही बटन होगा सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कर दो। ऐसी सपोर्ट करना, फर्स्ट वीडियो अच्छा सपोर्ट करोगे ना, फिर आगे और ट्रैवल वीडियोज़ बनाएंगे, साथ में चलेंगे घूमने, और बाकी गाड़ी की मॉडिफिकेशन या जो भी कराऊंगा मैं, तो सब धीरे धीरे करके आपको दिखाता रहूंगा। वाले बीपी है, आपको शायद यहाँ थोड़ी आवाज नहीं आ रही होगी, तो आपको मैं लगता है ये, और ये क्लेंजा या बलिनो जो भी है, ये अपने हर्षित भाई है डिटेलिंग माफिया पे। तो अभी आपको बताएंगे कि क्वालिटीज़ पीपीएफ में कितनी आती है, बताओ। ये है इंस्टेंट हीलिंग वाली, ठीक है, स्क्रैच अगर लगेंगे तो वो इंस्टेंटली हील हो जाएंगे ब्रश से, तो ये इंस्टेंट हील हो जाएंगे बिल्कुल। धीरे धीरे हील हो रहे हैं, बाकी आपके सनलाइट में जाके जो भी रेस से धीरे धीरे हील हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सी वाली क्वालिटी है? ये है अल्ट्रा, अल्ट्रा वाली, ठीक है, स्टैंडर्ड। ये हीट से हील होते हैं, ठीक है, आपकी अगर धूप में जाने का तो इसमें टाइम लगता है हील होने में, थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे सारे कैसे हील हो जाते हैं, ठीक है। एक ये है टीपीएच, इसमें हीलिंग क्वालिटी नहीं होती, ये बस सिर्फ प्रोटेक्ट करेगी, हील नहीं होगी, हील नहीं होगी, स्क्रैच इस पे, ठीक है। और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं अपने पास? हमारे पास सिरेमिक कोटिंग होती है, लेगो कॉस्मेटिक की सिरेमिक कोटिंग है, ठीक है, ये 2 इयर्स वारंटी। तो इसमें कोई वारंटी वगैरह होती है? 5 इयर्स की वारंटी होती है, इसमें 1 ईयर की वारंटी है, ठीक है, 7 इयर्स की वारंटी, इसमें 2 बोर्ड लगते हैं अलग अलग। अच्छा, इसमें ये स्क्रैच रेजिस्टेंट होती है और हाइड्रोफोबिक होती है और ग्लॉस मेंटेन रहता है सरकार का, ठीक है। तो इसमें क्या प्रिकॉशन वगैरह क्या होते हैं, मतलब कैसे साफ वाफ करना है कुछ? पहले आपको गाड़ी को पूरा अरेंज करना पड़ता है पानी से, ठीक है, पहले पानी से आप उसको धो लो, फिर उसको कपड़ा मारो, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कपड़ा मारोगे मिट्टी पे, ठीक है, फिर वो सैंड पे काम करेगी। तो इसके अगर कोई अपनी गाड़ी पे कराने आए तो कितने चार्जेस वगैरह क्या क्या है? एसयूवी पे कराना हो किसी को, एक फॉर एग्जांपल अराउंड इसका 5 इयर्स का आपका रेट है अराउंड 45 के आसपास, ठीक है, ठीक है। बाकी जब आप आओगे भाई के पास आना, तो आपको जितना हो सके उतना अच्छा रिगार्ड कर देंगे आपको। राजेश भाई है, ये करेंगे हमारी गाड़ी पीपीएफ। तो देखो ऐसा कर देना कि पता ना चले कि पीपीएफ हुई भी है या नहीं। कितने दिन में दे दोगे गाड़ी करके? कम से कम 3 दिन लगेगा। 3 दिन लगेंगे। अब क्या क्या काम स्टार्ट करोगे इसमें ये बताओ। पहले इसकी अंडर बॉडी होगी, अंडर बॉडी वॉशिंग होगी, ठीक है, और उसके बाद? ठीक है, अभी पहले डिटेलिंग का काम करोगे सारा क्लीन अच्छे से, ठीक है, करो करो वॉशिंग करो। आज पहले भी सारे हैंडल्स खुलेंगे, ये देखो बाइक खोलने लगा है, आराम से बैठ के बात कर रहे हैं, लाइट खुल गई और ये सारा खुल के हैंडल वैंडल निकल के सारे हैंडल खोल दिए। अभी धीरे धीरे सारे 1, 2 और उस साइड के 2 सारे हैंडल खुल जाएंगे, उसके बाद पीपीएफ का काम स्टार्ट होगा। चलो देखते हैं फिर। पासपोर्ट
थिकनेस कितनी है इसकी? 200 की, ठीक है ये वाली होगी अपनी पे। कसम से देख के आपको कैमरा में इतना पता नहीं चल रहा होगा, बट मेरी आंखों से देखोगे ना मजा आ जाएगा, इतनी तगड़ी शाइन आ रही है। फाइनली आज अपनी गाड़ी रेडी हो गई है, तो कुछ ऐसी लग रही है देख लो आपके सामने है। तो दो दिन से हमें मिल नहीं रहे थे पार्थ भाई, आज फाइनली मिलाते हैं आपको, आ जाओ। कैसे भाई? बहुत तो बताओ इसमें अपना क्या क्या काम हुआ है और कितना टाइम लगा टोटल? इस पे हमने पीपीएफ करी है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट पीपीएफ अल्ट्रा शील्ड ब्रांड से, ठीक है, और इसका एक प्री प्रोसेस है जो कि हमने फॉलो किया है, विच इज डिटेलिंग प्रोसेस। उस पे हमने पीपीएच वॉश डीकंटामिनेशन यूजिंग क्ले, मल्टीपल स्टेजेस ऑफ कंपाउंडिंग के लिए इस पे ग्लेजिंग, स्वर्ल मार्क रिमूवल, ठीक है, मेटल पॉलिश, जितना भी मतलब मैक्सिमम हम कार को एक नीट लुक देने के लिए प्री प्रोसेस करते हैं वो हमने करा है। उसके बाद हमने पीपीएफ अप्लाई करी है अल्ट्रा शील्ड की स्टैंडर्ड प्लस, विच इज अ टीपीयू प्रोडक्ट यूएस बेस्ड। इस पे हमारे को एक दिन डिटेल पे लगा और 3 दिन इसकी पीपीएफ कंप्लीट करना, ठीक है। तो अब ये बताओ, जैसे अब मान लो हमें थोड़े टाइम बाद इसे रिमूव करना हो, कुछ करना हो, तो इसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नहीं, नहीं, अगर आप अच्छे ब्रांड के साथ जाओगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसकी गमिंग जो है वो भी यूएस बेस्ड है और ये प्रोडक्ट भी यूएस बेस्ड है, ठीक है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम ये चाइनीज प्रोडक्ट्स में आती है, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी गमिंग बहुत बेकार है तो पेंट खराब कर देती है। अगर आपके पैनल्स ओरिजिनल पेंटेड है, कंपनी पेंटेड है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, प्लस अगर आपका ब्रांड अच्छा है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम। तो अब इसके प्रिकॉशंस बताओ, साफ वाफ करने का क्या तरीका है क्या? इसकी ये लो मेंटेनेंस प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा, सिरेमिक को थोड़ा मेंटेन करना मुश्किल होता है, उसके लिए आपको एक अच्छा क्लोथ, इसके लिए भी आप अच्छा क्लोथ यूज़ करो, पर इसको मेंटेन करने के लिए आपको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा पानी मारो, वॉश करो, जैसे बेसिक काम होता है, ठीक है। अब सबसे मेन क्वेश्चन, मुझे लग रहा है सब वेट कर रहे होंगे, कैश बताओ कितना लगा? तो देखो बहुत तरह की आती है, एक टीपीएच क्वालिटी होती है, एक टीपीयू क्वालिटी होती है, मेनली हमने इस पे टीपीयू करा है, जो हमारे यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है 80,000 के नियर अबाउट स्टार्ट हो जाती है, और थिकनेस फिर बढ़ती रहेगी, प्रोडक्ट और महंगा होता रहेगा, वारंटी बढ़ती रहेगी। ये 5 ईयर का प्रोडक्ट है जो हम वारंटी देते हैं, अगर कस्टमर चाहे तो ये 7 साल भी चला सकता है, 10 साल भी चला सकता है। तो हमने जो कराई है वो 5 ईयर्स वाली है, 5 ईयर हमारी तरफ से क्लेम है, ठीक है, ठीक है। तो चलो देख लो भाई, ऐसी कुछ पीपीएफ थी अपनी, ऑल थैंक्स टू पार्थ भाई। एक चीज़ और ऐड करनी थी कि एक तो ये स्कॉर्पियो गाड़ी है, तो इसको पीपीएफ करना इतना इजी तो होगा नहीं, बाकी आपको पार्थ भाई बताएंगे कि क्या क्या हुआ है इसमें, क्या क्या। तो इसमें कर्व्स जैसे बहुत ज़्यादा हैं, तो हर चीज़ को हमने थोड़ा डिसमेंटल करके बेटर फिनिश के लिए, जैसे इसके हैंडल्स के लिए, ताकि क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्क्रैच पड़ते हैं, तो ये चीज़ हमने बाहर निकलवाई, जो हमारे पास प्रोफेशनल डेंटर्स है उनसे करवाया, ताकि यहाँ पर भी स्क्रैचेस ना पड़े, ठीक है। बाद में फिट एंड फाइन करा, ये चीज़ है, तो इन सबको हम डिसमेंटल करके प्रॉपर एक बेस्ट फिनिश के लिए इसको निकालते हैं और वापस से फिट करते हैं। टेल लाइट्स है, अब इसको हम पीपीएफ में कवर नहीं कर सकते, तो इसको हमने सिरेमिक कोटिंग से कवर करा है। अगली जो हेडलाइट है उसको भी हमने सिरेमिक कोटिंग से कवर करा है, एलॉयज भी हम कोटिंग से कवर कर सकते हैं। ये देखो ब्लैक बीस्ट, ये है कुछ फाइनल लुक अपनी गाड़ी का, लग रही है ना एकदम एक नंबर। ये देखो, और कहाँ है आपको लेके? डिटेलिंग माफिया, ये भैया का नंबर है, फ़ोन करके पता कर लेना है, व्हाट्सएप कर लेना जो भी है, और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दूंगा, आप जाके यहाँ पे खुद आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छे से आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे क्या क्या कैसे।